ये कहानी है एक प्यारे से सीधे साधे लड़के दीपेश की, जो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा, परिवार के लाड़ प्यार के बावजूद पढ़ने लिखने में होशियार और हमेशा सीधी राह में चलने वाला एक होनहार बच्चा। स्कूल की पढ़ाई के साथ ही साथ दीपेश ने जेई की भी तैयारी कर ली, 12वीं भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करी और IIT में दाखिला भी मिल रहा है। माता पिता, भाई बहन सब फूले नहीं समा रहे हैं, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का तो तांता लगा हुआ है, हर कोई बधाई जो देना चाहता है। देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जब दीपेश को कॉलेज ज्वाइन करना है और अपना छोटा सा प्यारा सा शहर छोड़ दिल्ली जाना है। माँ आज बहुत दुखी है क्योंकि आज उनका दिल का टुकड़ा पहली बार घर से कहीं दूसरे शहर में जा रहा है। उन्हें दीपेश की बहुत चिंता सता रही है, मेरा बेटा क्या खाएगा, कैसे रहेगा। रोहन भाई बार बार समझा रहे हैं, माँ मैं साथ जा तो रहा हूँ, इसका सारा अरेंजमेंट करने के बाद ही लौटूंगा, आप परेशान मत हो। माँ का दिल हल्का तो हो गया है लेकिन अभी भी पूरे तरीके से नहीं, और निकलने का समय भी आ गया। दीपेश भी माँ पिताजी का आशीर्वाद ले रोहन भाई के साथ सफर को निकल पड़ता है। भाई 3 दिन में दीपेश के सारे अरेंजमेंट्स करा वापस आ जाते हैं और अब माँ को भी खुश करने में लगे हैं कि टाइम पता नहीं लगेगा। दीपेश भी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा है और पूरे जोर शोर से पढ़ाई कर रहा है, और देखते ही देखते दीपेश का BTech भी कंप्लीट हो जाता है। दीपेश अब बहुत खुश है कि उसका प्लेसमेंट तो पहले से ही एक नामी गिरामी MNC में हो चुका है। खुशी इस बात की भी है कि अभी ज्वाइनिंग में 1 हफ्ता है, तब तक माँ पिता के साथ रहने को मिल जाएगा और पुराने दोस्तों से भी मिल लेगा। माँ पिताजी के साथ 1 हफ्ता कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। माँ का दुख फिर से इस बात का है कि अभी तो उन्होंने अपने दीपेश को जी भर कर देखा भी नहीं और ये जाने को तैयार हो गया। दीपेश माँ को हौसला बंधाते हुए, माँ मैं जल्दी से सेट हो जाऊँ नए शहर में, फिर आपको और पिताजी को अपने साथ ले जाऊंगा। माँ हंसने लगती है। आज जॉब करते करते दीपेश को पूरे 3 साल हो चुके हैं। माँ पिताजी अपने दोनों बेटों की सफलता से बहुत खुश हैं। हो भी क्यों ना, रोहन भाई की भी शादी हो चुकी है, रेनू भाभी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, घर में सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, संगीता दी का भी विवाह हुए अब 1 साल हो गया है, सब बहुत खुश हैं। माँ पिताजी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लेकिन इसी बीच एक दिन पिताजी को दिल का दौरा पड़ जाता है, सब एकदम से परेशान हो उठते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से पिताजी बच जाते हैं। पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा हुआ है। अब पिताजी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं लेकिन एक ही रट लगाए बैठे हैं, दीपेश विवाह कर ले, दीपेश विवाह कर ले। पिताजी अभी जल्दी क्या है, 1-2 साल रुक जाते हैं, लेकिन पिताजी इतना डर चुके हैं कि उन्हें तो इसी साल दीपेश के विवाह करने की सूझ रही है। पिताजी दीपेश से पूछते हैं, अपनी पसंद की कोई हो तो मुझे बता दो। दीपेश शर्मा उठता है क्योंकि उसने इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। खैर पिताजी रोहन भाई के साथ मिल रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। आज दीपेश को किसी से मिलने जाना है। रेनू भाभी सुबह से उसे छेड़ने में लगी हैं। लो शाम के 6 भी बज गए, पिताजी चलना नहीं है क्या? दीपेश, भैया, भाभी, माँ पिताजी के साथ कार में निकल पड़ते हैं और 20 मिनट के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यह मिस्टर वीरेन शर्मा का घर है जो एक सरकारी कर्मचारी हैं। अनामिका उनकी इकलौती संतान, पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत। शर्मा जी का पूरा परिवार दीपेश के पूरे परिवार के सत्कार में लगा है। इसी बीच दीपेश और अनामिका को मिलवाया जाता है। अनामिका मुस्कुराकर दीपेश से कहती है, बैठ तो जाइए। दीपेश उसको देखते ही अपना दिल हार बैठता है। दोनों की बातचीत होती है और दोनों ही अपने परिवारों को उसके बाद हामी भर देते हैं। विवाह की तिथि तय हो जाती है और दोनों ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच रेनू भाभी अनामिका से फोन पर बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें अनामिका से वह रिस्पांस नहीं मिलता जिसकी वह उम्मीद लगाए बैठी थी। वह भाई और दीपेश को इशारा भी करती हैं लेकिन दीपेश उसको इग्नोर कर देता है। और यही बात एक दिन माँ जब शादी की तैयारियों के बीच अनामिका को फोन करती है तो उसी तरीके का रिस्पांस उनको भी मिलता है, जो माँ को भी खटकता है, जो वो दीपेश के पापा, रोहन भाई और सबको बताती हैं, लेकिन रेनू भाभी की तरह उनको भी इग्नोर कर दिया जाता है। इन सबके बीच में अनामिका दीपेश से बहुत प्यार से बात करती है। दीपेश उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब चुका है।
उसे माँ का भी शिकायत करना समझ नहीं आता। वह माँ को समझाता है, माँ मैं अनामिका को बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार उसे आप सबसे प्यार करना सिखा देगा, आप चिंता मत करो। दीपेश न केवल अनामिका की सुंदरता पे मंत्रमुग्ध है बल्कि वह उसकी पढ़ाई लिखाई से भी बहुत इम्प्रेस है। उसकी नज़र में वो एक बहुत ही समझदार लड़की से विवाह कर रहा है और उसकी नज़र में अनामिका एक परफेक्ट पार्टनर सिद्ध होगी। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ जाता है। दोनों तरफ के रिश्तेदार आ चुके हैं, दीपेश के चाचा के बेटे दोस्त भी आ गए हैं, सब बहुत खुश हैं। हो भी क्यों ना, आज उनके प्यारे भाई दीपेश का विवाह है। बारात पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में जयमाल का टाइम भी आ जाता है। अनामिका दुल्हन के लिबास में तो और भी खूबसूरत लग रही है। दीपेश के कजिन्स और दोस्त अपनी प्यारी सी भाभी को देखते खुश हो उठते हैं और जयमाल के दौरान उनसे हल्का फुल्का मजाक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें दीपेश भी हंस रहा है। लेकिन यह क्या, अनामिका का पारा एकदम से हाई हो उठता है और वह स्टेज पर ही उन पर चिल्ला उठती है और वह इस हल्के फुल्के मजाक के माहौल को एक तमाशे में तब्दील कर देती है। यहाँ पर सरप्राइजिंग यह भी है कि अनामिका के माता पिता उसको इस व्यवहार पर कुछ भी रोकते टोकते नहीं है। देखते ही देखते सब स्टेज खाली कर देते हैं। दीपेश को कुछ समझ नहीं आता, वह दुखी हो जाता है। लेकिन यह क्या, अनामिका तो पूरी तरीके से नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दीपेश के रिश्तेदार, भैया, भाभी, कजिन्स, दोस्त, सबके सब किसी को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया और सब एकदम से नाराज हो जाते हैं। लेकिन स्थिति को भांपते हुए अनामिका के भैया भाभी जो दूर के रिश्तेदार भी हैं, वे स्थिति को संभालते हैं और दीपेश की फैमिली को किसी तरीके से मना लेते हैं। जयमाल हो जाता है और विवाह की रस्में भी पूर्ण हो रही हैं। दीपेश और उसका परिवार दोनों ही शून्य में चल रहे हैं, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा। इन रस्मों के दौरान भी अनामिका अपनी छोटी मोटी गलतियां करना नहीं भूलती है, लोगों को झिड़कना नहीं भूलती है, लेकिन किसी तरीके से विदाई भी हो जाती है। अनामिका अब अपनी ससुराल में आ गई हैं, उसे किसी को भी प्यार करना या मान सम्मान करना जैसे आता ही नहीं। दीपेश स्थिति को संभालने का जिम्मा लेता है और अनामिका को अपने साथ ले आता है क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। लेकिन यह क्या, यह तो वह अनामिका ही नहीं जिससे दीपेश ने प्यार किया था। हर बात पर झगड़ा करने को तैयार, हर बात पर भौहें सिकोड़ लेना, हर बात पर चिल्लाना और हर बात पर रूठे रहना। दीपेश को लगता है कि अनामिका के माता पिता ने लाड़ प्यार में अपनी इकलौती संतान को जैसे बर्बादी कर दिया। एक दिन दीपेश के पास अनामिका की माँ का फोन आता है कि विवाह के बाद वह उनके पास रह ना पाई, उसे कुछ दिन के लिए मायके भेज दें। दीपेश को लगता है शायद ये अपने घर जाएगी तो संभल जाएगी। वह अनामिका को उसके घर ले जाता है। बीच बीच में दीपेश रोज अनामिका को फोन करता है लेकिन अनामिका का व्यवहार पहले जैसा। वह उससे कारण पूछता है कि कहाँ गलती हो गई, लेकिन कोई कारण भी नहीं होता। अनामिका एक हफ्ते अपने मायके में रहती है। दीपेश उसे फिर फोन करता है और उसे अपने पास वापस ले आता है। अनामिका को आए हुए भी दो दिन भी नहीं बीते हैं कि दीपेश के पास रोहन भाई का फोन आता है। दीपेश जल्दी से घर आ जाओ, बहुत बुरा हो गया है। दीपेश क्या हो गया भाई? अरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। दीपेश अभी फोन रखता ही है कि थोड़ी देर बाद रोहन भाई का फिर से फोन आता है। दीपेश इस बार घंटी सुनकर डर जाता है कि अब क्या। रोहन भाई, दीपेश पिताजी नहीं रहे। दीपेश के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे पिताजी नहीं रहे, और वह रो पड़ता है। लेकिन अनामिका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन कठिन परिस्थितियों में भी वह दीपेश का साथ नहीं देती है। दीपेश किसी तरीके से अपने को संभालते हुए अपना और अनामिका का ऑनलाइन टिकट बुक करने में लग जाता है। लेकिन अनामिका दीपेश को मना कर देती है कि वह उसके साथ नहीं जा रही है और कहती है कि दीपेश मेरे मायके का टिकट बुक कर दो। दीपेश को अनामिका का यह व्यवहार समझ नहीं आता, लेकिन वो इस व्यवहार को समझने की स्थिति में भी नहीं है। दीपेश बिना कुछ कहे अपना टिकट अपने घर का और अनामिका का टिकट उसके मायके का बुक कर देता है। दीपेश अब घर आ चुका है, लेकिन ये क्या, रिश्तेदारों में तो सुबगाहट छाई हुई है कि नई नवेली बहू इस टाइम पे भी नहीं आई। हर कोई पूछता है अनामिका कहाँ है, अनामिका कहाँ है, लेकिन दीपेश के पास इस बात का कोई भी उत्तर नहीं है। और देखते ही देखते पिताजी के निधन के 13 दिन भी बीत जाते हैं। इस बीच रेनू भाभी, रोहन भाई, हर कोई अनामिका को फोन करता है
कि बेटा घर आ जाओ, लेकिन अनामिका उन्हें मना कर देती है। दीपेश के सब्र का बांध अब टूट चुका है क्योंकि अनामिका से भी अब उसका मन पूरी तरीके से उचट चुका है। इस बार की जो गलती अनामिका ने की है उसकी माफी तो शायद दीपेश के पास है ही नहीं। आप ही अब बताइए दीपेश बेचारा क्या करे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने। आपने पूरा ये वाक्या सुना। हर बार हमें लगता था कि हमेशा लड़कियों के साथ गलत होता है, लेकिन ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये जो घटना घटी, ये मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ बीती है और यह घटना इस बार एक लड़के के साथ बीती है। सो ऐसा नहीं है कि हर बार भुक्तभोगी लड़कियां ही होती हैं। इस बार जो भुक्तभोगी है वो दीपेश है। सो फ्रेंड्स, ना तो मैं कोई जज हूँ और ना कोई भगवान। यहाँ पर जब दीपेश को सोल्यूशन देने की बात आती है तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँगी कि दीपेश को अपने पेरेंट्स के साथ, अनामिका के पेरेंट्स के साथ मिलना चाहिए अलॉन्ग विद अनामिका, और यह भी जानना चाहिए कि कारण क्या है इन सारे व्यवहार का या अनामिका के रूठने का या इस तरीके से जो व्यवहार वो शुरू से करती आ रही है उसका रीज़न क्या है। यहाँ यह भी हो सकता है कि अनामिका को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो या बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, और उससे भी ज़्यादा मुझे जो लगता है कि अनामिका की शायद अपब्रिंगिंग में ही प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि अनामिका अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान रही और माँ प्यार के लाड प्यार और ओवर पैम्पर ने शायद उसे बिगाड़ दिया। उसे शायद इस चीज़ की तालीम ही नहीं दी गई कि व्यवहार कैसे करा जाता है, खुद कैसे खुश रहा जाता है और दूसरों को कैसे खुश रखा जाता है। क्योंकि अनामिका का जो ये व्यवहार है ना, वो पहले अच्छा था और ना आगे कभी अच्छा रहेगा। सो दीपेश को लीगली अब कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दीपेश की अभी कोई लाइफ नहीं है और अनामिका के साथ वह खुश नहीं रह पाएगा। सो दोनों को म्यूचुअल कंसेंट से आई थिंक सेपरेट हो जाना चाहिए। ये अपने आप में बहुत भारी शब्द होता है, बड़ा शब्द होता है, लेकिन कई बार फ्रेंड्स जब आपस में इस तरीके से मतभेद होते हैं या आपस में बन नहीं पाती है, सो मेरा सजेशन यही रहता है कि लाइफ में आगे बढ़ना भी अपने आप में एक सलूशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से मैं यही कहूंगी कि फैमिलीज को आपस में एक बार जरूर बैठना चाहिए, अनामिका और दीपेश को भी उनके साथ बैठना चाहिए। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल एक सोल्यूशन निकल कर आए, और हो सकता है कि इस बार अनामिका को अपनी गलती पर पछतावा हो, और हो सकता है एक 1% जिसे मैं कहती हूँ कि एक हो सकता है कि 1% कहीं से गुंजाइश हो उठे कि अनामिका अपना व्यवहार बदल ले और दीपेश के साथ फिर से हंसी खुशी रहने को तैयार हो जाए। लेकिन फिर से यहाँ पर दीपेश भुक्तभोगी है। सो ये पूरा का पूरा दारोमदार दीपेश के ऊपर उठता है कि वह इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए तैयार भी है कि नहीं, वह अनामिका को माफ कर पाता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर से आपको याद दिला दूं कि ये एक मुहिम है समाज को बदलने के लिए, कि अगर कहीं कोई हमारे भाई बहन के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम लोग उसको सुधार सकें, और हो सकता है कि इन कहानियों और इन घटनाओं के ज़रिए हो सकता है कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ, अभी तक मेरे जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप सब में से कुछ लोगों से शिकायत भी है कि मेरा वीडियो तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज उसमें जो एक लाल बटन है प्लीज उसको क्लिक कर दीजिए ना, और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नमस्कार दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ।